Unites.com, redefining Bollywood. बरेली की बर्फी और एनाबेल दोनों देखी हैं। अच्छा, बरेली की बर्फी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी, बहुत प्यारी है, सूदिंग है, मतलब कि एक स्मॉल टाइम लव स्टोरी है। ऐसे स्वीट वाली लव स्टोरी मिस करते हैं हम लोग आज के टाइम में, तो वो है, एक स्वीटनेस है फिल्म में। ओके, आयुष्मान और राजकुमार राव, किसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा आपको? राजकुमार राव के होते हुए किसी का परफॉर्मेंस सामने उभर के आ ही नहीं सकता। ही इज सो स्टीलर इन द फिल्म। ओके, स्टोरी कैसी है, मतलब जस्टिफाई करती है? इट्स अ क्यूट वन, प्रेडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि आप उनके पंच लाइन और उनके स्वीटनेस में इतना खो जाते हैं, क्यूटनेस में खो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। बट ठीक है, इट्स वेरी नाइस, इट्स बहुत प्यारे तरीके से लिया गया है। आपको थोड़े थोड़े फ्लैशेस ऑफ साजन नजर आती है। ओके, साजन के अलावा कहीं जिस तरह का आप राजकुमार राव की बात करें, हम दिल चुके सनम भी याद आती है? नो, नहीं, इट्स अ क्वर्की टर्न, नहीं। ओके, कितने और उसके अलावा और कोई और कौन एक्टर है जो आपको भाई हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया? माय गॉड, जो मदर बनी है सीमा पावा एंड पंकज त्रिपाठी, दे किल्ड इट, वो और राजकुमार राव, उनके पंच लाइन आप चाहते कि वो बार बार स्क्रीन पर आए। थैंक यू सो मच। कितने स्टार देंगे आप? 3.5। थैंक यू। बरेली की बर्फी कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी फिल्म है, फिल्म की कहानी मुझे अच्छी लगी। ओके, क्या खास लगा आपको? खास ये बात थी कि ये स्टोरी जो है वो विलेज टाउन की है, उत्तर प्रदेश की है, जो स्टोरी एक लव स्टोरी है और काफ़ी अलग है। ओके, रुकना देना मेरे को बीच में। ओके, परफॉर्मेंस कैसा अच्छा लगा? परफॉर्मेंस सबका अच्छा था, ज़्यादा करके आयुष्मान खुराना का मुझे अच्छा लगा और राजकुमार राव का अच्छा लगा। ओके, कितने स्टार देना चाहेंगी? 5 में से 4 स्टार्स दूंगी मैं, काफ़ी अच्छी फिल्म थी, जैसे कि एक बर्फी ऐसी फिल्म थी। थैंक यू। कौन सी फिल्म देखी आपने? सर, बरेली के बर्फी। कैसी लगी फिल्म आपको? बहुत अच्छी लगी सर मुझे फिल्म। के कौन ज़्यादा अच्छा लगा, कृति राजकुमार राव? क्योंकि जो राजकुमार राव और जो आयुष्मान खुराना की जो केमिस्ट्री है, लेकिन राजकुमार राव सबसे बेस्ट लगा। ओके, क्या आयुष्मान खुराना कृति की केमिस्ट्री के बारे में क्या कहेंगे? मैं बोलूँगा राजकुमार राव सबसे बेस्ट है ऑन स्क्रीन, बिकॉज यू नो जो कृति की थोड़ा बहुत है, लेकिन राजकुमार राव सबसे बेस्ट है। ओके, फिल्म की लव स्टोरी कैसी लगी आपको? एक स्मॉल टाउन की स्टोरी दिखाया, बहुत अच्छा दिखाया ऑन स्क्रीन, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ओके, 5 में से कितने मार्क्स देंगे? 3.5। ठीक, शुक्रिया। बोला रुक रहा है, कौन सी फिल्म देखी आपने? बरेली की बर्फी फिल्म देखी, फिल्म काफ़ी अच्छी थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी फिल्म से, फिल्म एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतर रही है। ओके, लव स्टोरी कितनी अच्छी लगी आपको? लव स्टोरी की बात करें तो जो मतलब आयुष्मान और कृति की जिस तरह से पेयरिंग की गई है, तो उनकी कैरेक्टर के हिसाब से काफ़ी जस्टिस कर रहे हैं पेयरिंग के साथ, बट कहीं ना कहीं आयुष्मान और राजकुमार को साथ में देखने में जो उनकी केमिस्ट्री होती है, उनके बीच में जो मस्ती मजाक होता है, वो ज़्यादा मज़ा आता है। हु इज़ अ बेटर परफॉर्मर, राजकुमार राव और आयुष्मान खुराना? एनी डे राजकुमार। ओके, उसके अलावा और भी करेक्टर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है? सीमा पावा हो गई या? हाँ, सीमा पावा है, पंकज त्रिपाठी जी, उनका भी जो किरदार है, तो अपने किरदार के साथ पूरा न्याय कर रहे हैं, पूरा जस्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। और बाकी मतलब एक तरह से कास्टिंग की बात करें तो वो सभी को एक प्रॉपर तरीके से कास्ट किया गया और हर कोई अपने किरदार के साथ जस्टिस कर रहा है। ओके, कितने स्टार देंगे 5 में से? 5 में से 3 स्टार। थैंक यू। कौन सी फिल्म देखी आपने? ये बरेली की बर्फी। कैसी लगी फिल्म? फिल्म बहुत अच्छी लगी मुझे, राजकुमार का एक्टिंग, आयुष्मान ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, दोनों जो कृति थोड़ी फीकी लगी, लेकिन मेरे को आयुष्मान अच्छी लगी। दोनों का रोमांस है, एक लेटर है, लेटर से उनका एक्सचेंज हो जाता है, लव गुरु जैसे ही है, पुरानी है, लेकिन आपको मज़ा आएगा फिल्म देख कर। पैसे वसूले, कुछ गालियाँ इलियाँ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है, आप हंसाए गए, लेकिन पुरानी जैसे है, जैसे लव स्टोरी होती है खत जैसी वैसे, लेकिन हाँ एंटरटेनमेंट है, आपको आपके जो पैसे वसूल हो जाएंगे, आपको कोई बोरिंग नहीं लगेगा, आपको सबको जाना चाहिए फैमिली के साथ। ओके, राजकुमार राव ज़्यादा अच्छे लगे हैं, आयुष्मान खुराना परफॉर्मेंस? आयुष्मान खुराना अच्छे लग रहे थे, उनके एक्टिंग, डायलॉग, केमिस्ट्री उनकी अच्छी थी, कृति फीकी लग रही थी, राजकुमार भी अच्छे लग रहे थे, राजकुमार ने अच्छी की है इस फिल्म। कितने स्टार देने देंगे 5 में से? 5 में से 3.5 स्टार दूंगा मैं। थैंक यू। कौन सी फिल्म देखी आपने? बरेली की बर्फी। कैसी लगी फिल्म आप? फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है और स्टोरी भी बहुत अच्छा है और फैमिली एंटरटेनमेंट भी अच्छा है। ओके, राजकुमार राव ने ज़्यादा अच्छी परफॉर्म किया या आयुष्मान खुराना ने? ऐसे कंपेयर तो कर नहीं सकते, क्योंकि दोनों की रोल भी बहुत अच्छी है और वो दोनों ने बहुत ठीक से निभाया, और मुझे तो राजकुमार के थोड़ा और ज़्यादा 1% ज़्यादा ही लगे अच्छी। ओके, 5 में से कितने स्टार देंगे? आउट ऑफ 5 4 स्टार्स। और कौन सी फिल्म देखी आपने? बरेली की बर्फी। कैसी लगी फिल्म आपको? ठीक है, मतलब जैसे अभी भूमि की जो माँ दिखाई है उसमें, तो उनका काम बहुत अच्छा लगा मुझे स्पेशली, और उनका रोल भी बहुत सही लग रहा है। ओके, राजकुमार राव और आयुष्मान खुराना कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाया?
राजकुमार ऑब्वियसली, क्योंकि उनका उनकी फिल्मों का अगर देखा जाए तो सच में बहुत मैंने फॉलो किया है उनकी फिल्म्स को, तो बहुत अच्छी जा रही है उनकी फिल्म्स। ओके, कितने स्टार देना चाहेंगी पाँच में से? पाँच में से 3 and 5। बोलो। आप बरेली की बर्फी देखी और काफ़ी अच्छी फिल्म है, अच्छी लव स्टोरी है, छोटे शहर की लव स्टोरी है, आप रिलेट करेंगे और मुझे बहुत मज़ा आया फिल्म के अंदर। और अगर आप किसकी अच्छी लगी आप? एक्टिंग की अगर आप बात करेंगे, देखिए राजकुमार राव आयुष्मान खुराना है, आयुष्मान खुराना एक अलग तरह की फिल्में करते हैं, राजकुमार का अपना सिनेमा की चॉइस एकदम अलग रही है और राजकुमार राव ने इतना बेहतरीन काम किया है, ही डन अ ब्रिलियंट जॉब, मतलब वो किसी के लिए उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। ऐसा नहीं कहूँगी और एक्टरों ने एक्टिंग नहीं की है, लेकिन राजकुमार राव इज़ एब्सोल्युटली फाइन। कृति सेनन भी अच्छी रही हैं, कृति सेनन फिल्म में हैं, लेकिन कृति सेनन की वजह से पूरी फिल्म चलती है, एक लेटर की वजह से, एक खत जो यहाँ वहाँ मिसप्लेस हो जाता है उसकी वजह से पूरी स्टोरी चलती है, लेकिन कृति एक सपोर्टिंग सिस्टम है फिल्म को। अगर आप बोलें फिल्म की अगर बात करेंगे तो जो छोटे छोटे किरदार निभा रहे हैं, जैसे सीमा पावा जी हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, क्या किरदार निभाया उन्होंने यार, इतना इंगेजिंग, इतना रिलेटेबल। पाँच में से सर मैं आपको 4 अंक दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Click on the subscribe button and stay tuned.